करके इसके बाद आ गई मैं अपने काम में। ये पर्दा है, 8-9 पर्दा है, इसको धोना है। 2-3 दिन से सोच रही थी धोने के लिए मगर धो नहीं पाई हूँ। आज सोचे धो देती हूँ। यहाँ पर पानी में पहले इसको, मेरा सर्फ खत्म हो गया है। अभी फ्रेंड मॉर्निंग का ही समय है, अभी मैं नहाई नहीं हूँ। कपड़ा उपड़ा धो लूंगी, इसके बाद ही मैं नहाऊंगी। तो सोची क्यों नहीं आप लोग के साथ छोटा सा मैं अपना वीडियो भी शेयर कर दूं। इसमें से निकाल कर और इस बाल्टी में रख देती हूँ एक एक करके। फ्रेंड आज तो धूपा भी ज्यादा नहीं निकला है, बस थोड़ा थोड़ा ही धूपा निकला है। 2-3 दिन से तो काफी अच्छा धूपा निकल रहा था। तो चलिए फ्रेंड पहले कपड़ा को मैं क्या करती हूँ, पूरा को अच्छे से छान के रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। इसके बाद मैं कपड़ा को धोऊंगी। फ्रेंड मैं कपड़ा को गोद के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दी थी। अब 15 मिनट हो गया है तो मैं अब सोच रही हूँ इसको वॉश कर लेती हूँ, अच्छे से धो देती हूँ। ठंडी में इतना हेयर जो है खुजलाता है बहुत काफी फ्रेंड। तो यहाँ पर एक एक करके कपड़ा को अच्छे से धो लेती हूँ। फ्रेंड ज्यादा गंदा नहीं है, मेरा पर्दा है जो ना ज्यादा गंदा नहीं हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, ज्यादा नहीं। तो बस इसको धो के इसके बाद इसको रखना है हमको। मेरी लड़की का बर्थडे था उसी में मैं ये पर्दा को लगाई थी। फ्रेंड ठंडी में हमको तो ज्यादा काम उम करने का मन नहीं करता है। फ्रेंड मेरे घर मशीन नहीं है, हम हाथ से ही कपड़ा प्रतिदिन धोती हूँ। प्रतिदिन ही फ्रेंड कपड़ा इतना ज्यादा काफी हो जाता है ना क्या बताऊं। अभी वो भी मेरा लड़का लड़की कभी कपड़ा धोना है तो यहाँ पर धो लूंगी, इसके बाद उनका कपड़ा धोऊंगी दोनों जन का। वो दोनों जन का तो स्वेटर प्रतिदिन ही धोना पड़ता है। फ्रेंड आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्यों, इतना ज्यादा मैं मेहनत करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो प्लीज सपोर्ट करिए फ्रेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं स्पीड को थोड़ा बढ़ा दी हूँ, तो प्लीज फ्रेंड मेरा वीडियो अच्छा लग गया तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, प्लीज प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आप लोग। तो थोड़ा सा मैं वीडियो मतलब फास्ट कर दी फ्रेंड, नहीं तो वीडियो जानते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर 2-3 थाली है क्योंकि मॉर्निंग में मेरा नाश्ता हो गया है, मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरा लड़का लड़की का, जितने लोग हैं उतने लोग मॉर्निंग का मेरे घर में नाश्ता हो गया है। तो इसके बाद सोची कपड़ा कहीं धो लेती हूँ। तो बस इसको अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। ज़्यादा मेरा कपड़ा गंदा नहीं था ये, मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ, पर्दा।
तो मेरा सारा कपड़ा जो धो ली हूँ, बाप रे कितना सारा है। तो यहाँ पर फ्रेंड पानी को मैं भर लेती हूँ कपड़ा मतलब पर्दा खंगारने के लिए सारा बाल्टी में अच्छे से। फ्रेंड काफ़ी मेहनत करने के बाद मेरा कपड़ा है जो धुला गया है, तब एक एक करके इसको अच्छे से पानी में लॉन्ड्री कर दीजिए फ्रेंड। हाथ दर्द करने लगा फ्रेंड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब ये पर्दा है। हमारे गाँव में फ्रेंड इसी तरह कपड़ा धोते हैं हाथ से ही क्योंकि घर पर मशीन नहीं है किसी का। मम्मी और फ्रेंड काफी दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था ये कि कपड़ा धोकर मतलब, तो सोचे आज क्यों नहीं चले आज वीडियो ही बना देती हूँ मैं। फिर लाइट कट गया है इसीलिए अच्छा दिख नहीं रहा है, गांव में लाइट का बहुत दिक्कत रहता है। अभी लाइट था अब लाइट कट गया। अरे मम्मी रे मेरा हाथ दर्द करने लगा। फ्रेंड कपड़ा धोने में काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है इससे, मगर ज़्यादा टेंशन नहीं क्योंकि मोटर लगा हुआ है। अब तो लाइन भी कट गया तो कल से चलाएंगे और पूरा पता नहीं आजकल तीन चार दिन से मतलब मेरे गांव में लाइन काफ़ी ज़्यादा कट रहा है। एक ही भैया सब लाइन देगा फ्रेंड। सुबह का भी 11 बज रहा है, कम से कम लाइन देने में एक दो घंटा तो लगाइए देगा। पता नहीं क्यों पैसा लेता है लोग अगर लाइन नहीं देता है समय समय पर। तो फ्रेंड आज काफ़ी ज़्यादा आप लोग से बात कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग जो है हमसे खुश होंगे। प्लीज़ आ जाइए मेरा थोड़ा हेल्प करवा दीजिए आप लोग। और फ्रेंड मेरे पास माइक नहीं है इसीलिए आवाज़ मेरा थोड़ा स्लो जाता होगा। ओ मर गया रे। तो फ्रेंड फाइनली मेरा सारा कपड़ा है ओ पूरा क्लियर हो गया। ये मन सोचिएगा फ्रेंड कि मेरा बाल्टी गंदा है, थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया, इसको भी साफ करना है। फ्रेंड क्या करूँ इतना ज़्यादा काम रहता है ना कि समय भी नहीं मिलता है, क्या करूँ कौन सा काम करूँ ना करूँ, दिन भी कट जाता है क्योंकि दो बेबी भी है मेरे पास छट्टे छट्टे, अभी तो दोनों जन नहीं है। ओ तो चलिए फ्रेंड
अब छत पे क्या करूंगी, कपड़ा को फैला दूंगी। और ज्यादा धूपा नहीं निकला है, बहुत कम आज धूपा निकला है। मन करता है इसी पर सो जाए। मेरा कमर काफी ज्यादा दर्द करने लगा फ्रेंड, क्योंकि काफी कपड़ा था। हो रे मम्मी घाव लगल। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ठंडी के दिन में जिसको छाता ओढ़ना यहाँ कर ले जाइए। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय बाय।